हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम सब जो है डिवीजन का एक चैप्टर शुरू कर दिए हैं। ठीक है, डिवीजन में आज हम पढ़ेंगे डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर विद रिमाइंडर। ठीक, इसके पहले हमने डिवीजन पढ़ा था, वन डिजिट नंबर से डिवीजन करना था, लेकिन उसमें जो है रिमाइंडर नहीं बच रहा था, मतलब नो रिमाइंडर या जीरो रिमाइंडर आ रहा था। आज जो है हम रिमाइंडर विथ रिमाइंडर लिखा है, मतलब उसमें आप देखेंगे तो नीचे जो है रिमाइंडर आपका बचेगा। ठीक, तो ऐसे जो है हम क्वेश्चन आज सीखेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम ठीक इस प्रकार से पहले व्यवस्थित करेंगे इसको। आपका डिवाइडेड है और 5 डिवाइजर है। ठीक, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 का टेबल पहले, यहाँ 1 डिजिट लेंगे आप, यहाँ 1 डिजिट है तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 टाइम्स 5 बन जा 5, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 आ गया। ठीक, अब 0 लिख देंगे और नेक्स्ट डिजिट आपका 6, ये नीचे वाले स्टेप में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में आप केवल 6 दिख रहा है, ये 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, इधर तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 6 से अधिक ना हो, उसके इक्वल हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो 5 हो जाए 10 जो है अधिक हो जा रहा है, तो 5 बन जा 5, 1 यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे सेम उसी तरीके से, और ये आप इसको माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 आपका यहाँ 1 आ रहा है, ये जो 1 आया ये हमारा ये क्या है, रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आपका आंसर जो आएगा आप यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, सो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सो 56 डिवाइड बाई 5 इक्वल आपका आ जाएगा क्वेश्चन आपका आ जाएगा कितना, 11 क्वेश्चन है आपका, एंड रिमाइंडर आपका है 1। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ ठीक उसी तरीके से इसको आप व्यवस्थित करेंगे, अभी बताया गया आप 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 बन जा 7, यहाँ 0 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका 9 यहाँ पर आएगा, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए, 7 बन जा 7। ठीक है, अधिक ना हो इसका आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आप जो है सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी तरीके से इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 ये आपका डिवाइडर है और 47 डिवाइडेड है, इसको इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 बन जा 4, और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये 7 यहाँ जाएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 बन जाए 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका यहाँ आ जाएगा 3, ये रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आप जो है इसमें दिया है आपको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, इसमें यह है कि यहाँ पर देखिए कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है,
मतलब टेंस में चेंज हो, टेंस वाले में अगर हम जो है डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ रिमाइंडर जीरो आ रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जीरो आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ भी देख रहे हैं जीरो आ रहा है। तो इसमें इसी तरह का क्वेश्चन आपको सीखना है। अगला नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें आप देखेंगे यहाँ भी रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ से भी डिजिट उठाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका ये जो नंबर क्रिएट हो गया दोनों को मिला कर होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये जीरो आ जा रहा है रिमाइंडर, फर्स्ट बार जब फर्स्ट स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये सेकेंड जब नंबर हम वंस का प्रेस वाला उतार रहे हैं नीचे लेकर आ रहे हैं तो केवल यही नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको मिलाएंगे तो ये जो नंबर क्रिएट होगा वो आपका सिक्स ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आप जीरो नाइन को क्या बोलेंगे, केवल नाइन बोलेंगे, जीरो सेवन को क्या बोलेंगे, सेवन बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ जो है जीरो और सिक्स को क्या बोला जाएगा, केवल सिक्स ही बोला जाएगा, ठीक है। ये जीरो का कोई मतलब नहीं होता इधर, ठीक। लेफ्ट में यदि आपका जीरो है किसी नंबर के, जैसे किसी भी नंबर के लेफ्ट में जीरो, यहाँ देखिए जैसे यहाँ फाइव लिखिए, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, ये इक्वल फाइव है, ठीक, आप इसको ध्यान देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ से जो नंबर डिवाइड हो रहा है यहाँ केवल जीरो आ रहा है, कोई नंबर नहीं आ रहा है, अगर यहाँ कोई नंबर आता तो ये दोनों मिलाकर के नंबर क्रिएट होता बनता और उसके बाद ये दोनों में आप उसको डिवाइड करते, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, यहाँ केवल ऐसे ही है, ठीक है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको भी सॉल्व आप करेंगे। आइए ऐसे से और सेल्फ से क्वेश्चन लगाते हैं। पेज नंबर 54 पर आएंगे आप, ऐसे सी और सेल्फ आपका लिखा है। क्वेश्चन नंबर ए का वन आप देखेंगे, यहाँ लिखा है वन आपका लगा दिया है इसमें, आप देखेंगे ठीक ना, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर वन आपका लगाया है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू है, टू आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है टू इक्वल इस तरीके से लिखा है, और यहां पर आपको देखिए इस तरीके से बनाया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। और यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, और अगले बार में आपको बनाया है देखिए सेवन, तो यहाँ से आप गिनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक। अब इसको पूरा काउंट करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर इस तरीके से, आपको लिखना है यहाँ पर टू टेंस है यहाँ, टू टेन, और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है अलग है, ये आपका सेवन वन, ये आपका क्या रहेगा सेवन वन, ठीक है। टू टेन्स और सेवन वन मिलकर के आपका 27 हो जाएगा। ये जो 27 है आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका डिवाइडेड हो जाएगा 27, ठीक। और इसमें टू इक्वल ग्रुप बनाना है तो टू आपका एक डिवाइड हो जाएगा, इससे आप डिवाइड करेंगे टू बन जाए टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
C1 लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ से C1 नीचे आएगा, 2 का टेबल 7 में पढ़ेंगे, 2 3 6 होता है, यहाँ 6 लिखेंगे और इसको लास्ट स्टेप में आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। इसका जो आंसर आपको लिखना है इस तरीके से लिखेंगे, थर्टीन इन ईच ग्रुप्स उसके बाद आपका 1 लेफ्ट हो रहा है। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ए का आप थर्ड क्वेश्चन लगा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए आपका चार क्वेश्चन है, पहले इसको आप पढ़ेंगे। देखिए लिखा है आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए लिखा है शेयर 25 बंस इक्वली बिटवीन टू कैट्स। 25 बंस को बराबर बराबर आपको दो बिल्लियों में बांटना है, फिर हाउ मेनी बंस है, प्रत्येक बिल्ली को कितना बंस मिला, उसके बाद लिखा है हाउ मेनी बंस आर लेफ्ट ओवर, कितना जो है बंस शेष बचा है। ठीक है, तो इसके लिए आप डिवाइड करेंगे, आपको यहां पर स्थान दिया है बगल में साइड में आप देखेंगे तो, ठीक है, राइट साइड में उसी में आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। टू से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2 ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, अगला स्टेप यहाँ पर 5 यहाँ आएगा, फिर 2 2 4 यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखने के लिए जगह नहीं है तो आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि हाउ मेनी पंस इच है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 बंस जो है आप यहाँ पर ये प्रत्येक बिल्ली को मिलेगा। ठीक, ये आप यहाँ पर जगह नहीं है क्योंकि इस तरीके से आप दिखा देंगे और 1 बंस आप 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, बच जाएगा सर, इसको इस तरीके से आप नोट करना है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है केक्स आर पैक्ड इन 5, मतलब एक पैक में जो है केक कितने आते हैं 5, तो हाउ मेनी पैक कैन बी मेड विथ 43 केक। 43 केक है तो उसमें कितने पैकेट आपका बनेगा, और उसके बाद लिखा है हाउ मेनी केक्स आर लेफ्ट ओवर, और कितना जो है केक शेष बच जाएगा। तो इसके लिए भी आप जो है ये आपको 5 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड डिवाइडर जो आपका होगा 5 हो जाएगा और 43 आपका केक जो है ये डिवाइडेड रहेगा, इसको आप डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है जो क्वेश्चन बताया जा रहा था, देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे 4 में तो आपका 1 टाइम्स पढ़ेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं दोनों डिजिट आप ले लेते हैं 43, अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 43 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए, तो 5 8 40 ये होता है, 5 9 जाएगी तो 45 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 3 जो है आपका केक्स रिमाइंडर हो जाएगा और इतना पैकेट आपके ये बन जाएंगे। ठीक है, कितने पैकेट बनेंगे 8 पैकेट।
इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में अभी हम जो सबसे पहले बताए थे कॉपी एंड डिवाइड, वो आपको इस तरीके से व्यवस्थित करके क्वेश्चन नंबर 6 का आप अपने से सॉल्व करेंगे होमवर्क के रूप में। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आएगा वो डिवीजन ही है, टेंस एंड वंस चेंजिंग टेंस। ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।